सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैंने आपको बताई थी ब्रीथिंग रेट, कि ह्यूमन की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी होती है, 16 to 18 पर मिनट। पर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एंड अदर एनिमल्स, तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से यूज करते हैं, दे टेक द ऑक्सीजन, टेक ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर, ठीक है। दे टेक द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन द वॉटर। तो वॉटर में जो ऑक्सीजन होती है, वॉटर वॉटर हैविंग द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटिंग मतलब इट हैविंग द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीथिंग रेट होती है, सो ब्रीथिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज द एक्वेटिक एनिमल हैविंग द फास्टर ब्रीथिंग रेट, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि एक्वेटिक एनिमल टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर एंड वॉटर हैविंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, टू ऑब्टेन द सफिशियंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन द ब्रीथिंग रेट इज द फास्टर इन द एक्वेटिक एनिमल्स। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर हैविंग द सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर हैविंग द सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो एज कंपेरिजन टू द स्लो होती है, एज कंपेरिजन टू द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ये एडवांटेज है ओवर द एक्वेटिक एनिमल्स, कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अपनी ब्रीथिंग रेट फास्ट करने की नीड नहीं है ऑक्सीजन वो करने के लिए, इनहेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अब ये सारा कंप्लीट है आपका रेस्पिरेटरी, वेदर इट इज द प्लांट और इन एनिमल्स। तो नेक्स्ट पढ़ना है आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द ह्यूमन, या आप कह सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन, यहां में मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो मैं बता रही थी मैं आपको अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम इन द ह्यूमन बींग। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है ह्यूमन बींग्स में, ब्लड से बना होता है, ब्लड वेसल्स से बना होता है, और किससे बना होता है, ह्यूमन हार्ट से बना होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन द ह्यूमंस इंक्लूड द ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, तो ब्लड हैविंग द टू पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इट इज द ब्लड प्लाज्मा, फर्स्ट पार्ट इट इज द ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड पार्ट इज द ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द 55% ऑफ द टोटल ब्लड, और 45% ऑफ ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड कॉन्स्टिट्यूट द 55% ऑफ द ब्लड। इट कंटेन द डिजॉल्व गैसेस, मिनरल्स, आयन, सॉल्ट आयन्स, सॉल्ट आयन्स और नाइट्रोजीनस वेस्ट, इट इंक्लूड द नाइट्रोजीनस वेस्ट, ठीक है। तो जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो किसमें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स की, एक होती है रेड ब्लड सेल, नेक्स्ट वन इज द वाइट ब्लड सेल, नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, जब वहां पे आपने पढ़े होंगे सर्कुलेटरी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो देखिए आरबीसी, तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, रेड
ब्लड सेल्स। और जो ह्यूमन की आरबीसी होती है उसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है और विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट न्यूक्लियस होती है, ठीक है। और नंबर कितने आरबीसी के होते हैं, नंबर होते हैं 4 to 5 million, ठीक है। आरबीसी का कलर रेड होता है बिकॉज इट कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट दैट इज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का मैंने आपको फंक्शन बताया था लास्ट वीडियो में, इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट हेल्प इन द कैरिंग द ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो जो लाइफ स्पैन होता है ना आरबीसी का, लाइफ स्पैन होता है 120 days का, मतलब आफ्टर 120 days द आरबीसी आर डिस्ट्रॉय और डाई और उनकी जगह पे क्या बनती हैं नई आरबीसी बनती हैं, ठीक है। तो आरबीसी का फंक्शन आ जाए पूछने को तो क्या लिखोगे, आरबीसी हैविंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन दैट कैरी द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट इज द WBC, ठीक है। तो WBC का फंक्शन क्या होता है, WBC की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये कैसे होती हैं, कलरलेस, इनके नंबर एज कंपैरिजन टू आरबीसी कम होते हैं। और WBC का फंक्शन क्या होता है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज, और यू कैन से फ्रॉम pathogens। तो pathogens क्या होते हैं, डिशीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो WBC हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट है, थर्ड कंपोनेंट है ब्लड का, इट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। क्या आएगा, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती हैं और ये कहां से बनती हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या के जो नंबर होते हैं वो आरबीसी और WBC से बहुत ज्यादा होते हैं। और ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स दे हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, किसमें हेल्प करती हैं वो, ब्लड क्लोटिंग में, मतलब इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड, दे प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी, मतलब जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है ना, और कुछ देर के बाद जो ब्लड होता है वो रुकना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड के कितने पार्ट बताए मैंने आपको, 2 पार्ट बताए, फर्स्ट इज द ब्लड प्लाज्मा, सेकंड इज द ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट द 55% ऑफ द ब्लड एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ द गैसेस, सॉल्ट, आयंस, इवन इंक्लूडिंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट, और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में। नेक्स्ट इज द ब्लड सेल, द ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट द 45% ऑफ द टोटल ब्लड एंड इट हैविंग द 3 सेल, आरबीसी, WBC एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है दैट कैरी द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वंस आफ्टर द एवरी 120 days दे फॉर्म न्यू। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कलरलेस होती हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द डिशीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और पैथोजन और डिजीज। ब्लड प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है द स्टॉपेज ऑफ द ब्लड फ्लो इवन आफ्टर इंजरी, ठीक है। तो ये जो आरबीसी है, WBC है, ब्लड प्लेटलेट्स है, ये सारी सेल्स कहां बनती हैं, बोन मैरो में। कौन से ऑर्गन में बनते हैं, बोन मैरो में, और बोन मैरो आपकी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लड vessels, next component is the blood vessels, ठीक है। तो blood vessels क्या होती हैं, blood vessels are the tubes like structure, blood vessels are the tube like structure
दैट स्प्रेड इन आवर बॉडी. ठीक है. और जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है. तो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट स्प्रेड इन आवर बॉडी. ठीक है. और जो ब्लड वेसल्स होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं. तो फर्स्ट वन इज द आर्टरी. ठीक है. तो जो आर्टरीज की वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है. ठीक है. क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर कैसा होता है? हाई. बिकॉज दे हैविंग द